नमस्कार, मेरा नाम निखिल प्रजापति है। मैं 11th मैथ का छात्र हूँ। मेरा नाम तरुण मिश्रा है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम विमल कुमार है। मैं 11th मैथ का छात्र हूँ। हम सभी गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के छात्र हैं और हम सभी अटल डिग्री लैब के स्टूडेंट हैं। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा आयोजित मैराथन 2020 के तहत परिणाम आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शोध कार्य एवं अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका सब थीम है इनोवेट टू इम्प्रूव करेंट लर्निंग एट्स इन यूअर स्कूल। हमने विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, छात्राओं के माता पिता और 220 छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया। इसके पूर्व गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के मैक्स के पिछले 5 साल के रिजल्ट को देखा जो 30-40% से नीचे थे। हमने साक्षात्कार के द्वारा छात्रों से पता चला कि गणित विषय लेक्चर द्वारा बताई जाती है, इससे कक्षा सजीव नहीं हो पाती है। फलस्वरूप छात्रों में रटने की विद्या पनपती है। शिक्षक लेक्चर देकर और छात्र रट कर अपनी कर्तव्य का इतिश्री कर लेते हैं। हमने इसी कारणों से इस समस्या का चयन किया है। कक्षा सजीव हो सके और छात्र रटने के बजाय अपने मानसिक भावना का विकास करें और अपने विषय में रुचि लें। हमने विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एवं माता पिता एवं 220 छात्र छात्राओं का इंटरव्यू लिया। हमने इस हेतु पीडी पाठक की शिक्षा मनोविज्ञान एवं कपिल एच के की अनुसंधान विधियां एवं धनंजय पांडे की उपलब्धि एवं रुचि जैसे 15 किताबों का अध्ययन किया। सर्वेक्षण के बाद हमें यह पता चला कि गणित को प्रयोगात्मक एवं कक्षा को सजीव करके भी पढ़ाया जा सकता है। कक्षा को सजीव करने के लिए हमने एक जियो बोर्ड बनाया है जो अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति जो 250 प्रमेय को खेल खेल में ही हल कर सकता है। इस जियो बोर्ड से छात्र प्रयोग द्वारा गणित सीखेंगे एवं इससे कक्षा लगातार सजीव एवं क्रियात्मक बनेगी, जिससे छात्रों की रटने की विद्या कम होगी और उपलब्धि भी बढ़ेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि छात्र मैथ्स को रटे नहीं समझे, जिससे उनकी उपलब्धि एवं रुचि भी बढ़ेगी। इस हेतु हम मल्टीपर्पस स्कूल के आसपास के 10 प्राइवेट एवं गवर्नमेंट स्कूल में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे, जिससे वहां के स्टूडेंट को इस प्रोजेक्ट का लाभ हो सके। धन्यवाद।